जुड़ गए हैं। शशांक गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया इठिन ऑफ स्वदेश पे बात करने के लिए। मुझे दिल्ली में लग रहा है काफ़ी सर्दी हो रही है, आपने हाईनेक और जैकेट वगैरह चढ़ा रखी है और पीछे आपकी नई गाड़ी जिमनी भी नज़र आ रही है, क्या बात है, बहुत ही फर्स्ट क्लास सेटिंग में आपने हमसे बातचीत की। ये बताइए, बाजार कॉर्पोरेट इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए बेहतरीन है, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट 2023 से? देखिए, जहाँ तक ऑटो इंडस्ट्री का हवाले से मैं अगर बात करूँ तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा बजट हो जिसमें ग्रोथ को प्राथमिकता दी जाए। अगर ऐसा कोई भी बजट जो जो शरे नमू है, जो ग्रोथ रेट है, उसको उसमें इजाफा करता है, वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है ओवरऑल इंडस्ट्री से। और उसमें अगर उसके विद इन अगर देखा जाए कि ये ग्रोथ कैसे हो सकती है, मेरे नज़र में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल के इलाके में जो सरमाया है और जो हमारे जो देहाती जो जो इलाके हैं उसमें जो सरमाया है, जो रूरल इन्वेस्टमेंट है, उसके थ्रू मेरे नज़र में एक ओवरऑल ग्रोथ बजट हो सकता है और ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कामयाब साबित होगा। जी, ये जो डिमांड की जो बात आ रही है कि आगे चल के इनफैक्ट जीडीपी ग्रोथ भी थोड़ा सा ट्रिम किया है एस्टिमेट, अगर नेक्स्ट साल की बात करें, डांगी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में बैठे हुए मैक्रो स्टडीजिस्ट हैं, वो कहते हैं ग्रोथ शायद हम ओवरस्टेट कर रहे हैं, तो अगर स्ट्रेस टेस्ट भी कर दें ग्रोथ को तो ऑटो डिमांड का क्या व्यू बनता है आपका, ऑटो सेक्टर डिमांड का क्या व्यू बनता है नेक्स्ट 12 से 14 महीने? आपको तो इंक्वायरीज आना शुरू हो गई होंगी, या आपको लगता है कि मिडिल क्लास के की अब पोजीशन काफ़ी बेहतर है और डिमांड ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी इंडिया में? जी देखिए, अगर आप इस जो जो रवा माली साल है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसके हवाले से बात करें तो एक रिकॉर्ड बिक्री हुई है इस ऑटो इंडस्ट्री में। ये इम्कान लगा रहे हैं कि इस माली साल में करीब 38 से 39 लाख गाड़ियां बिकेंगी, जो एक सबसे अव्वल तरीन जो आंकड़ा है इस क्षेत्र के लिए आज की हिंदुस्तान की ऑटो की पूरी तारीख में। तो उस नज़र से एक बहुत अच्छा माहौल है, एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। जनवरी के भी अगर आप आंकड़े देखें तो अच्छी ग्रोथ हुई है, इसलिए ये जो मोमेंटम है वो इंडस्ट्री के साथ है। हाँ, एक कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हमारे को एक तीखी नज़र रखनी पड़ेगी, जैसे जो इफरात ज़र है, जो इन्फ्लेशन रेट है, उससे जो बैंक की दरें हैं वो शायद अगर बढ़ती हैं तो इस क्षेत्र के लिए वो मनफी साबित होंगी। लेकिन जहां तक ओवरऑल अगर इकनॉमी में ग्रोथ है तो फिर ये इंडस्ट्री, हमें उम्मीद है कि अगले साल भी अच्छा करेगी, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये पेशगोई करी जा रही है कि अगले साल की ग्रोथ 5 से 7% के दरमियान रहेगी। इसका मतलब कि इंडस्ट्री में 41 लाख तक की गाड़ियां बिक सकती हैं अगले साल। राइट, ऑलराइट शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।